वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर आज हम एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है किडनी स्टोन किडनी स्टोन को रिनल कैलक्यूलाय नेफ्रोलिथियासिस या फिर यूरोलिथियासिस भी कहा जाता है सो so इस वीडियो में हम किडनी स्टोन के कॉजेस सिम्टम टेस्ट और ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली फाइव टू सेवन मिलियन लोग ये किडनी स्टोन से अफेक्टेड हैं किडनी स्टोन वाले केसेस ज़्यादातर 40 टू 60 एज में दिखाई देते हैं और किडनी स्टोन ये पर्सन के एक किडनी या दोनों किडनी में भी हो सकता है किडनी स्टोन आर हार्ड डिपॉजिट मेड ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट्स दैट फॉर्म्स इनसाइड द किडनी मतलब ज्यादा मिनरल और सॉल्ट के एक ही जगह पे इकट्ठा होने के कारण किडनी में हार्ट स्टोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे किडनी स्टोन कहा जाता है जो किडनी के अंदर बना है सो so, किडनी स्टोन हैपन्स वेन मिनरल फॉर्म्स अ क्रिस्टल इन साइड द किडनी एंड देन दे गेट बिगर एंड बिकम किडनी स्टोन तो जो मिनरल और सॉल्ट से जो स्टोन बने हैं वो जब बड़े हो जाएंगे तब जाके हम उन्हें किडनी स्टोन कहेंगे ये किडनी स्टोन जो किडनी में है वो यूरिनरी ट्रैक में भी मूव हो सकता है और यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में भी जा सकता है बट ये जब मूव करेगा तब पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन होगा और कभी कभी यूरिनेशन के समय ब्लड भी निकल सकता है एंड सम स्टोन आल्सो ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ पी मतलब यूरिनेशन का जो नॉर्मल फ्लो है वो इस स्टोन से ब्लॉक भी हो सकता है मोस्ट किडनी स्टोन पास आउट ऑफ द बॉडी विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज तो बहुत से ऐसे किडनी स्टोन होते हैं जो बॉडी को कोई भी हार्म नहीं करेगा क्योंकि अगर वो साइज से छोटे हैं तो नॉर्मली यूरिनेशन के समय वो किडनी स्टोन बॉडी से बाहर भी निकल जाएगा किडनी स्टोन के कई सारे टाइप्स हैं जैसे कि कैल्शियम स्टोन यूरिक एसिड स्टोन सिस्टिक स्टोन स्ट्रुवाइड स्टोन एक्सेट्रा अगर डॉक्टर को पेशेंट के इस किडनी स्टोन का टाइप पता होगा तो डॉक्टर पेशेंट के रिस्क फैक्टर को कम कर सकेंगे और ज़्यादा किडनी स्टोन से पेशेंट को बचा भी सकेंगे सो so, ये सारे किडनी स्टोन के टाइप स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा तो चलिए इन सारे किडनी स्टोन के टाइप्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे पहला है कैल्शियम स्टोन कैल्शियम स्टोन ये बहुत ही कॉमन टाइप का किडनी स्टोन है जब कैल्शियम यूरिन ऑक्जेलेट के साथ कंबाइन होगा तब कैल्शियम स्टोन बन जाएंगे अब सवाल ये है कि ये ऑक्जाइलेट यूरिन में कहाँ से आया है सो ऑक्लेट इज अ सब्सटेंस मेड डेली बाय लीवर और एब्सऑफ फ्रॉम डाइट मतलब ऑक्जेलेट ये बॉडी को फूड से ही मिलता है जैसे कि सर्टन फ्रूट्स वेजिटेबल नट्स चॉकलेट एक्सेट्रा और ह्यूमन लीवर भी इस ऑक्जेलेट को डेली प्रोड्यूस करता है क्योंकि इस ऑक्जेलेट के कुछ फ़ायदे होते हैं ये ऑक्जेलेट कैल्शियम बैलेंसिंग में और डिटॉक्सिफिकेशन में लीवर की हेल्प करता है तो इस वजह से लीवर ये ऑक्जेलेट को बनाता है तो जब कैल्शियम और ऑक्जेलेट कंबाइन होंगे तब किडनी में कैल्शियम स्टोन बनेंगे सो so, ये कैल्शियम स्टोन बनने के लिए इस कैल्शियम और ऑक्जेलेट का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में हाई होना चाहिए तभी जाके हमारे बॉडी में कैल्शियम स्टोन बनेंगे तो इन सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में कैसे बढ़ता बढ़ता है तो डेली Uh, dietary factors, high doses of vitamin D, intestinal bypass surgery, and several metabolic disorders can increase the concentration of calcium or oxalate in urine. ये किडनी स्टोन ना होने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो इटिंग फीवर ऑक्जेलेट रिच फूड कैन रिड्यूज़ द रिस्क ऑफ डेवलपिंग दिस टाइप ऑफ स्टोन सो कैल्शियम स्टोन हमारे बॉडी में ना हो जाए इसलिए हम क्या करेंगे हम ऑक्जेलेट रिच फूड जो है वो हम कम लेंगे हमारे डाइट में जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ ऑक्जेलेट रिच फूड दिए हैं जो कि है पोटैटो चिप्स पीनट्स चॉकलेट्स पीनेच एक्सेट्रा तो ये हुई कैल्शियम स्टोन के बारे में इन जनरल जानकारी सेकेंड किडनी स्टोन का टाइप है यूरिक एसिड स्टोन जो इनफ अमाउंट में फ्लूड इंटेक नहीं करते हैं मतलब ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं या फिर जिनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा पानी को लॉस करती है जैसे कि पसीना वगैरह या फिर जो हाई डाइट लेता है या फिर जिसे गाउट हुआ है इन सारे लोगों में यूरिक एसिड स्टोन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ये गाउट क्या है इसे समझने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए कभी कभी कुछ जेनेटिक फैक्टर के कारण भी ये किडनी स्टोन का टाइप हो सकता है नेक्स्ट जो किडनी स्टोन का टाइप है वो है स्ट्रूवाइट स्टोन दिस स्टोन आर लेस कॉमन तो ये ज़्यादा कॉमन नहीं है एंड फॉर्म्स इन रिस्पॉन्स टू यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो जिस पर्सन में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है उसे स्ट्रोआइड स्टोन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके बाद वाला जो किडनी स्टोन है वो है सिस्टाइन स्टोन ये रेयर टाइप का स्टोन है जनरली जिसे सिस्टिन नाम का हेरिडिटरी डिसऑर्डर हुआ है उसे ही ये स्टोन होने के चांसेस होते हैं नॉर्मली हमारी बॉडी सिस्टाइन नाम का जो अमाइनो एसिड है इसे बॉडी में डिजहॉल्व कर देती है और ब्लड में ये मिक्स हो जाता है और किडनी के हेल्प से इसे बॉडी के बाहर निकाला जाता है थ्रू यूरिन बट अगर किडनी सिस्टाइन को बाहर नहीं निकाल सकी तो इस सिस्टाइन के स्टोन बनेंगे जिसे सिस्टाइन स्टोन कहा जाता है तो ये हुआ सिस्टाइन स्टोन अभी हम किडनी स्टोन के क्या सिम्टम्स होते हैं ये जान लेते हैं एक्चुअली किडनी स्टोन होने के कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं जब तक ये जो स्टोन है ये यूरिनरी ट्रैक्ट में जैसे कि आ, ये जो यूरेटर है और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ तक जब तक ये स्टोन मूव नहीं करेगा तब तक पर्सन में कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं बट अगर स्टोन इस यूरेटर में ब्लॉक हो गया तब यूरिन प्रॉपरली पास नहीं होगी और किडनी पे स्वेलिंग आएगी और वहाँ पर पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा तो ये जो पेन होना है ये एक बेसिक सिम्टम होता है किडनी स्टोन का बट इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि सीवियर शार्प पेन इन अ साइड एंड बैक बिलो द रिब्स मतलब रिब्स के नीचे और साइड में जहाँ पे किडनी होती है वहाँ पे पेशेंट को पेन होगा पेन दैट रेडिएट टू द लोअर एबडामन एंड ग्रोइन और वो जो पेन है वो पास होगा लोअर एबडामन में और ग्रोइन एरिया जहाँ पे सेक्शुअल ऑर्गन होता है वहाँ पे भी पेन हो सकता है पेशेंट में पेन दैट कम इन अ वेव्स एंड फ्लक्चुएट इन इंटेंसिटी तो ये जो पेन होता है ये धीरे धीरे बढ़ता है वेव्स में आता है ऐसे पेशेंट को महसूस होगा पेन और बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेशन अब और जब पेशेंट यूरिनेशन करता है तब उसे बर्निंग सेंसेशन वहाँ पे होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होगा तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं अब आ, कुछ केसेस में और भी कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जैसे कि पिंक एंड रेड और ब्राउन यूरिन क्लाउडी और फोयल स्मेलिंग यूरिन यूरिन से पर्टिकुलर स्मेल आएगा अब परसिस्टेंट नीड टू यूरिनेट पेशेंट को बार बार यूरीनेशन uh, के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि पेन के टाइम uh, क्योंकि यूरीनेशन के टाइम पेन होगा तो इस वजह से क्या होगा पेन होते समय प्रॉपरली यूरिन पास नहीं होगी तो इस वजह से पेशेंट को बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा उसे नौशिया और वोमिटिंग जैसे फील होगा एंड फीवर एंड चिल्स इफ़ एंड इन्फेक्शन इज प्रेजेंट अगर पे, पेशेंट में इन्फेक्शन है तो पेशेंट को फीवर भी आ सकता है तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं किडनी स्टोन के नाउ काजेज मतलब क्या कारण हो सकते हैं किडनी स्टोन होने के जैसे कि हम जानते हैं कि किडनी स्टोन ये कुछ सब्सटेंस के डिपॉजिट होने से बनते हैं जो हमने पहले ही डिस्कस किया है तो ये जो सब्सटेंसेस है ये सब्सटेंसेस कौन से हो सकते हैं जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइलेट यूरिक एसिड फॉस्फेट सिस्टाइन तो ये सारे जो सब्सटेंसेस है इसके डिपोजिशन से किडनी में इसके डिपोजिशन से किडनी स्टोन हो सकते हैं नॉर्मली ये सब्सटेंसेस यूरिन से बॉडी के बाहर निकल जाते हैं बट अगर कोई कम पानी पीता है तो ये सब्सटेंसेस पानी में डाइल्यूट नहीं होंगे और किडनी में ही डिपॉजिट हो जाएंगे और पर्सन को किडनी स्टोन होगा तो कम पानी पीना यही सबसे बड़ा रीज़न है किडनी स्टोन होने का अब इसका एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है और इसके कौन से टेस्ट होते हैं ये जान लेते हैं सबसे पहले होगा फिजिकल एग्जामिनेशन इसमें पेशेंट का बेली एरिया या थोड़ा साइड बैक चेक किया जाता है और किडनी की स्वेलिंग चेक की जाती है नेक्स्ट टेस्ट रहेगी इमेजिन टेस्ट जिसमें एक्सरे सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड ये सारे टेस्ट आएंगे जिससे पता चलेगा कि पेशेंट में कौन से टाइप का किडनी स्टोन है उसके बाद वाली जो टेस्ट रहेगी वो रहेगी ब्लड टेस्ट ब्लड टेस्ट से कैल्शियम फॉस्फरस यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट लेवल तो ये सारे जो सब्सटेंसेस है इनकी लेवल चेक की जाती है और तभी जाके डॉक्टर को पता चलेगा कि पेशेंट में कौन से टाइप का किडनी स्टोन है और पेशेंट में किडनी स्टोन है भी या नहीं उसके बाद वाली जो टेस्ट रहेगी वो रहेगी यूरिन टेस्ट तो यूरिन टेस्ट से भी पता किया जाता है कि किडनी में किडनी में स्टोन हुआ है या नहीं जैसे कि यूरिन से हम पता करवा सकते हैं कि पेशेंट में कौन सा सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस है ठीक है अभी हम देखेंगे रिस्क फैक्टर मतलब कौन से पर्सन को किडनी स्टोन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं तो सबसे पहला रहेगा फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री अगर किसी पर्सन के फैमिली हिस्ट्री अगर कोई है मतलब किसी को किडनी uh, स्टोन हो चुका है तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उन्हें भी किडनी स्टोन होने के चांसेस रहते हैं नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन अगर कोई कम पानी पीता है या फिर पानी पीने के बाद भी अगर बॉडी uh, से बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है डिहाइड्रेशन हुआ है किसी को तो उसे भी किडनी uh, स्टोन हो सकता है नेक्स्ट है सर्टन डाइट जैसे कि हाई प्रोटीन सॉल्ट या फिर शुगर का कोई इंटेक बहुत ज़्यादा करता है तो उसके बॉडी में भी स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे नेक्स्ट है ओबेसिटी अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसे भी किडनी स्टोन हो सकता है नेक्स्ट है डाइजेस्टिव डिसीज एंड सर्जरी अगर किसी की पर्टिकुलर सर्जरी हुई है जैसे कि गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीज क्रोनिक डायरिया तो इनकी बॉडी क्या करती है जो पानी की या फिर कैल्शियम एब्सॉर्बशन के की जो कैपेसिटी होती है वो अफेक्ट हो जाती है तो इसके वजह से बॉडी में स्टोन बन जाते हैं और उन्हें भी किडनी स्टोन के चांसेस बढ़ जाएंगे और लास्ट जो है वो है सर्टन सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन अगर कोई विटामिन सी का इंटेक बहुत ज़्यादा करता है अगर उसकी मेडिसिन लेता है डायट्री सप्लीमेंट किसी का ज़्यादा है लैक्टिट्यू अगर कोई ज़्यादा लेता है या फिर कैल्शियम बेस्ड एंटेसिड्स कोई ज़्यादा लेता है तो उन्हें भी किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे इसकी ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे मेडिकेशन और सर्जरी ये दोनों मेथड से किडनी स्टोन ट्रीट किया जा सकता है तो सर्जरी जो होती है इसकी इसके चार टाइप है पहली जो है वो है यूरिट्रोस्कोपी इसमें यूरिट्रोस्कोप नाम का एक छोटा इंस्ट्रूमेंट ब्लैडर से होके यूरेटर में डाला जाता है और इसके इस सर्जिकल बास्केट में स्टोन को कैप्चर करके रिमूव करते हैं या फिर स्टोन को वहीं पे लेजर के हेल्प से ब्रेक किया जाता है ताकि उस स्टोन के छोटे छोटे पार्ट्स बने और वो ईजीली यूरिन से बाहर निकल सके नेक्स्ट है शॉक वेव, लिथ्रोस्पी। इसमें पेशेंट को स्पेशल टाइप के सर्जिकल टेबल पे लेटाया जाता है और हाई एनर्जी शॉक वेव को स्टोन की जगह पे भेजा जाता है ताकि स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाए और वो यूरिन से बाहर निकले नेक्स्ट सर्जरी इज परक्यूटीनियस नेफ्रोलिथोटोमी जब स्टोन बहुत बड़े हो बहुत ज़्यादा हो या फिर हेवी हो तो ही ये सर्जरी की जाती है इसमें डायरेक्टली किड किडनी में ही सर्जिकल ट्यूब डाली जाती है और स्टोन रिमूव किए जाते हैं लास्ट सर्जरी है ओपन स्टोन सर्जरी ये रेयरली की जाती है इसमें डायरेक्टली कट करके स्टोन रिमूव किए जाते हैं तो ये कुछ बेसिक ट्रीटमेंट हुए तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है इस तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू